हाँ यार, तो मैं आया हूँ एक रेस्टोरेंट पे जिसका नेम है गोल्डन कॉर्ड, और बताता चलूँ यार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी भैया, तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ सैफ तखार, और पहाड़ भी है जानी के। यूजली मेरे संडे बहुत बोरिंग होते हैं, बहुत डल होते हैं और बहुत ही लो होते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बाकी डेज में मैं जल्दी जागता हूँ, एनर्जी से भरपूर रहता हूँ, और संडे को मैं लेट जागता हूँ, इस वजह से डल तो होना ही है यार। और बाय द वे, अभी मैं जिस जगह जा रहा हूँ, एक्चुअली ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है, और यहाँ पे एक्चुअली पब्लिक पार्क बन रहा है और वेयर हाउसेस बन रहे हैं, लेकिन ये आज का व्लॉग नहीं है, आज का व्लॉग कुछ और है। और कहाँ जा रहा हूँ आप लोग खुद ही देख लो यार। एक्चुअली जब आप बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग करते हो ना, तो आपका दिमाग भी ख़राब हो सकता है, जैसे आज हुआ है मेरा। आज संडे, और संडे सब कुछ क्लोज होता है, और आज मैं इस जगह आया हूँ। बाय द वे, इस जगह का नाम सॉकर बॉक्स है, और सॉकर बॉक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि एक बॉक्स टाइप जगह है जिसमें लोग आके सॉकर खेलते हैं। दैट्स माय बैड कि आज ये क्लोज है, तो कहीं और चलते हैं यार। हाँ यार, तो एक बात मैं अडॉप्ट करना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि यार देखो, पाकिस्तान में ना लाइट का बहुत मसला है, लोड शेडिंग का बहुत ही मसला है। यहाँ अगर आप पीछे मेरे देखें, तो ये एक पावर स्टेशन है जो कि हर मोहल्ले का अपना होता है, तो लाइट जाना तो इम्पॉसिबल है। अगर खुदा ना खासा चली भी जाए, तो लाइट पोल के साथ एक बैटरी बैकअप होता है, और वो हर घर के लिए होता है, तो वहाँ से आपको लाइट मिल सकती है जब तक कि वो ठीक ना हो। तो ये सिस्टम अगर पाकिस्तान में आ जाए, तो लोड शेडिंग बिल्कुल ख़त्म हो सकता है। देखो यार, मेरा कज़न बिजी था, इसलिए मैं अकेला भी शूट कर रहा था, तो उसने मुझे कॉल किया, यार आई एम कमिंग टू पिक यू अप, तो वो आ चुका है, मुझे अब जाना है। और कहाँ जा रहे हैं वो मैं गाड़ी में बैठ के आपको बताता हूँ। हाँ यार, तो कज़न आया, उसने मुझे पिक किया, उसके बाद अभी हम लोग मॉल की तरफ आए हैं। मैं मॉल में नहीं जा रहा, बाय द वे आज हम लोग घूम रहे हैं लवक में। यार संडे बोरिंग और लो के साथ साथ ना मेरा चीट डे भी होता है, इसलिए आज मैं स्टेक्स खा रहा हूँ। बाय द वे, मैं फर्स्ट टाइम ये ट्राई करूँ, और बहुत ही मज़े की है। हाँ यार, तो चीट डे था, और चीट डे पे मैंने पे इंतहा का बहुत कुछ खा लिया, और फुल हो गया हूँ यार, और सारी कसर ना एक हफ्ते की सारी कसर मैंने आज निकाल दी है, तो चलते हैं अब यार कहीं और।
ना यार, तो रेस्टोरेंट से निकला और सीधा आया मैं पेट स्टोर पे। बताता चलूँ ये लवक का सबसे बड़ा पेट स्टोर है जाने, और एक फुल वेयर हाउस है जहाँ पे बहुत कुछ मिलता है पेट्स के हवाले से। लेकिन मुझे आज जो शूट करना था, मेरा आज जो प्लान था, वो मिशन मेरा फेल हो गया, क्योंकि वो बंद था यार। क्या करता, मुझे बड़ा दिल था लेकिन मैं नहीं जा सका। सो अभी यहाँ आया हूँ, तो आप लोग शॉर्ट्स देखिए। हाँ यार, तो मैं खड़ा हूँ पेट ट्रेनिंग वाले सेक्शन में। बताता चलूँ ये अंदर आप जो मिरर के पीछे देख रहे हैं, ये जगह यहाँ पे पेट्स की ट्रेनिंग होती है, खास करके डॉग्स की ट्रेनिंग होती है। उनको स्टोरी टेलिंग करवाई जाती है, उन्हें मीट एंड ग्रीट, या आप चार्ट भी देख लें, फन गेम्स, बबल, स्टोरी टेलिंग, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन एंड हैप्पी आवर्स, ये सब कुछ डॉग्स के लिए किया जाता है। और अभी हम लोग ना नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। सही है ब्रो, इंशाल्लाह मिलते हैं। ओके ओके, ऑफिस। हाँ जी भैया, मैं घर तो वापस आ चुका हूँ, और एक बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि यार, अगर आप 90s के बच्चे हो और अगर आपने पुरानी इंग्लिश मूवीज़ देखी होंगी जिसमें लोग घोड़ों पे बैठ के आते थे और पीछे बुगीज लगी होती थी और घोड़ों पे फाइट होती थी, उनको एक्चुअली कॉबॉय कहते हैं। और कॉबॉय का जो कॉन्सेप्ट और कॉबॉय जो स्टार्ट हुए थे वो लगभग टेक्सास से स्टार्ट हुए थे। और जो आप लोगों ने सिटी के शॉट्स देखे हैं वो बेसिकली सेंटर ऑफ लगभग है जहाँ से कॉबॉय नेम जनरेट हुआ था। और इस व्लॉग का नेम रखूंगा मिशन फेल, क्योंकि जहाँ पे मैंने आज शूट करना था सॉकर बॉक्स में, वो नहीं शूट कर सका क्योंकि वो ओपन ही नहीं था। तो चलता आपका भाई। I'm good. चल संडे चिल बोरिंग के साथ साथ ना